ग्वालियर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दौलतगंज स्थित पूजा हार्डवेयर के गोदाम में आधी रात को आग भड़कने से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी थी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक दौलतगंज में स्थित पूजा हार्डवेयर के गोदाम में आधी रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गई। आग किन कारणों से लगी थी इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन समझा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आगजनी की घटना हुई है, जिसकी सारी जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई, जहां पुलिस के साथ ही महाराज बाड़े से दो दमकल मौके पर पहुंच गई थी, जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सर जी, हम तो सो रहे थे, पौने दो बजे के आसपास, दो बजे हमको आवाज आने चालू हुई, जैसे देखा तो पूरे घर में धुआं धुआं भरा हुआ था। नीचे फटाफट होकर छत पे गए, फिर फायर का फोन किया, हम दूसरे घर में गए, तब से लगे अभी बुझा ही रहे थे, बुझ ही नहीं रहे, तब से लगे लगे हुए, मालूम ही नहीं कहता क्या हुआ है। हार्डवेयर का गोदाम है, कुछ जानकारी नहीं है अभी, ऐसा कैसे मालूम पड़ेगी, कोई अभी ऐसा कुछ मालूम ही नहीं है, कैसे बता पड़ा, कुछ भी कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा कैसे जानकारी नहीं है, कुछ कहता क्या हुआ है। नीचे गाड़ियां रखी थी अपनी, नीचे पार्किंग है, यहीं पे सब गए थे, ऊपर सो रहे थे आराम से, बस जैसे मालूम पड़ा भक्ते ऊपर गए, धुआं धुआं इतना हो गया था पूरे घर में, दोनों बच्चों को फड़ा के पैसे पीछे से फेंका हमने, वैसे पीछे से सब कुछ। कितने लोग थे परिवार के? नौ लोग हैं हम घर में, सब बच्चे मिला के। दूसरे मकान पे? सब दूसरे मकान में खुद के छत पार कर गए, सब दूसरे गए, हमारा चादरों से नीचे उतारा है, तब फायर ब्रिगेड तब आई आप, और जाते जाते फायर ब्रिगेड आई, चल रही है। ये रात को आग लगी थी, तो रात में बताया था कि पूजा इलेक्ट्रिक दुकान में आग लगी है, तो उसकी सूचना देते बाड़ा सब स्टेशन गाड़ी रवाना की, और फिर बाकी गाड़ी हेडक्वार्टर से रवाना की। आग जहाँ तक कंट्रोल में पूरी बच चुकी है, थोड़ा बहुत रह गया है, उसमें काम जा रही है अभी। अब ये तो अज्ञात है, अभी शॉर्ट सर्किट से लाया है, गोदाम में है, शोरूम में नहीं है, पीछे साइड इनका गोदाम बना हुआ है, उसमें आ गए। अब इसका तो अनुमान है, तब तो वही खुद बता पाएंगे। हाँ, जहाँ तक जल चुका है। वहीं जिसके बाद अब देखना होगा कि ग्वालियर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दौलतगंज में पूजा हार्डवेयर पर लगी आग में कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।